सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, टीन रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑनर के एक धमाकेदार डिवाइस के बारे में। अब आप सोचेंगे कि मैं ऑनर प्ले के बारे में बात करूंगी क्योंकि सारा यूट्यूब ऑनर प्ले से भरा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि आपको एक ऐसी डील में मिल रहा है जो कि ऑनर प्ले से और MI A2 से बहुत ही ज्यादा बेटर है, और साथ ही ये डिवाइस आपको अभी अवेलेबल है ताकि आप इसको अभी खरीद सके। तो आइए जल्दी से नजर डालते हैं इस कमाल के डिवाइस के ऊपर, और सबसे पहले हम नजर डालेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी पे। इसके अंदर आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलती है क्योंकि इसके अंदर हमें यूनिमेटल बॉडी मिलती है जो कि आपको हाथ में होल्ड करने से ही पता चल जाएगा कि डिवाइस कितना सॉलिड है। एक हाथ से यूज करने में इस डिवाइस को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही स्टाइलिश और प्रीमियम लुकिंग डिवाइस लगता है ये देखने में। अब मैं इसके डिस्प्ले की अगर बात करूं तो हमें मिलता है 5.99 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले, मतलब कि 18:9 की रेशो में। इसमें आपको नॉच नहीं मिलती, और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूं तो Full HD+ रेजोल्यूशन मिलती है। डिस्प्ले आप देख सकते हैं इसका ब्राइट है, और डिस्प्ले इसका हमारा ऑनर प्ले से काफी बेटर है क्योंकि इसके अंदर आपको LTPS IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और प्ले में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, तो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी हो गई। अब मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो हमें मिलता है किरण 970 का प्रोसेसर जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं मैंने डिवाइस के अंदर गेम ऑन करी है और गेम बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है, कलर्स कितने ब्राइट लग रहे हैं। अब गेम ऑन करिए तो आपको प्रोसेसर भी बता देती हूँ, हमें मिलता है इसके अंदर किरिन 970 का प्रोसेसर, सेम प्रोसेसर आपको ऑनर प्ले में मिलता है। MI A2 के प्रोसेसर का इन दोनों ही डिवाइसेस से कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है, और जो हमारा किरिन 970 है ये स्नैपड्रैगन 835 के लेवल का है। तो MI A2 का तो परफॉर्मेंस वाइज कोई मतलब ही नहीं हुआ। और बेंचमार्क स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इस डिवाइस का बेंचमार्क स्कोर है 2,02,000, बहुत ही बढ़िया स्कोर आता है इसका। और आप देख सकते हैं मैंने एस्फाल्ट 8 खेली है, इसके अंदर बहुत ही स्मूथली खेली जा रही है गेम। डिवाइस के अंदर आपको कोई हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और वैसे अगर आपको नॉर्मली गेम्स खेलना अच्छा लगता है तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक गेम मोड मिलता है जिससे कि आप अपनी हाई ग्राफिक्स गेम को भी इसके अंदर आराम से खेल सकते हैं। गेम के साथ में अगर आपको इसकी बैटरी बताऊं तो इसके अंदर हमें मिलती है 3750 mAh की बैटरी, सेम बैटरी आपको ऑनर प्ले में मिलेगी, और साथ में आपको फास्टर चार्जिंग की भी ऑप्शन मिलती है। तो मतलब कि अगर आपको गेमिंग करना या वीडियोस देखना या मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप इस डिवाइस को कम्प्लीटली इंजॉय करेंगे। एक तो वो सब चीजें इसके अंदर आराम से चलेंगी, मतलब 4K फाइल भी आराम से चलेगी, और साथ ही डिस्प्ले में भी आप इंजॉय करेंगे क्योंकि बढ़िया कलर्स आ रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, और उसके साथ जो फास्टर चार्जिंग मिल रही है तो आपका डिवाइस जल्दी से चार्ज हो जाएगा और जल्दी से आप उसको एंजॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ आपको इसके अंदर डुअल 4G डुअल वोल्ट भी मिलता है जिससे कि आपकी 2G SIM इसके अंदर आराम से चलेंगी। अब अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो बैक में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 16+20 MP का। ये AI बेस्ड कैमरा है जो कि आपकी बहुत ही बढ़िया पिक्स लेगा स्पेशली बुके मोड में। और ऑनर प्ले के अंदर हमें मिलता है 16+2 MP का कैमरा, तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितना बढ़िया कैमरा देता है। और उसके बाद अगर मैं MI A2 की बात करूं तो उसके अंदर आपको 12+20 MP का कैमरा मिलता है, उसमें भी ये वाला ज्यादा बेटर है क्योंकि इसका 16+20 है। पिक्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बुके मोड बहुत ही बढ़िया लेता है, ये पिक्स की अलग ही अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल इसका बैक कैमरा मुझे काफी अच्छा लगा। साथ ही अगर मैं इसके सेल्फी कैमरा की बात करूं तो वो हमारा थोड़ा सा कम है, इसके अंदर आपको 13 MP का कैमरा मिलता है। ऑनर प्ले के अंदर आपको 16 MP का मिलता है और MI A2 के अंदर आपको 20 MP का कैमरा मिलता है। उन दोनों का कैमरा वैसे तो आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर मैं एक एक करके इनको कंपेयर करूं, जैसे कि MI A2 का कैमरा हमारा सेम Redmi Note 5 Pro जैसा है, और मेरे पास Redmi Note 5 Pro है, आप देख सकते हैं कि इसकी पिक्स की क्वालिटी काफी अच्छी आई है। ऑनर 9N का कैमरा देखें, उसके अंदर भी आपको 16 मिलता है, ऑनर प्ले के अंदर भी आपको 16 मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमारे इसी वाले डिवाइस की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो आप कुल मिला के आप देख सकते हैं कि हमारा ये 13 MP वाला कैमरा ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि क्वालिटी आपको एक अलग ही लेवल की मिल रही है। अब अगर मैं इसके रैम और इंटरनल मेमोरी की बात करूं तो इसके अंदर हमें मिलता है 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी, जिसको आप 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं एक हाइब्रिड स्लॉट के थ्रू। डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन मिलती है मेमोरी एक्सपैंड करने की,
और ये डिवाइस है हमारा 23,000 रुपए का। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर मैं MI A2 की बात करूं तो उसका 6GB वाले वेरिएंट आपको मिलता है 21,000 रुपए का, लेकिन उसका इस डिवाइस से कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है और इसका हमारा ज्यादा बढ़िया है परफॉर्मेंस वाइज। और अब मैं अगर Honor Play की बात करूं तो Honor Play का जो हमारा 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है, जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस वेरिएंट है, वो आपको मिलेगा 24,000 रुपए का। इस डिवाइस का एक्चुअल प्राइस था 30,000 रुपए। इस पर आपको 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलता है और 2,000 रुपए का आपको कार्ड डिस्काउंट मिलेगा SBI कार्ड पे। तो कुल मिला के इस पर आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और ये आपको 23,000 रुपए में मिल जाएगा। इस हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट डील बन जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको बढ़िया स्पेक्स मिल रहे हैं 23,000 रुपए के हिसाब से। सिर्फ आपको इसके अंदर नॉच वाला डिस्प्ले नहीं मिलता, हालांकि वो तो आपको MI A2 में भी नहीं मिलता। तो अगर आपको नॉच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस डिवाइस के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और ये डिवाइस है हमारा Honor View 10, जिसको की खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी करी हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको ये डिवाइस ठीक लगता है तो फटाफट से ले लीजिए, इस पे ऑफर आई हुई है, कहीं वो ऑफर चली ना जाए या फिर ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। बढ़िया ऑप्शन है, आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।